Hello students, welcome to Science Club. So in this video we are going to cover about pollen pistil interaction and the artificial hybridization. Dono hi topic bahut hi easy hai, simple si story hai. Agar wo samajh mein aa gaye to topic samajh mein aa jayega. So watch video till end. आगे जाने से पहले I just wanna share that today I got first dose of my vaccine. अगर आप भी 18 plus हैं और अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो किस बात का वेट कर रहे हो? रजिस्ट्रेशन करो, शेड्यूल बुक करो एंड गो फॉर योर वैक्सीनेशन बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर सेफ्टी. सो डोंट स्किप वैक्सीनेशन. अब हम लोग अपना वीडियो देख लेते हैं. सो आज हमें पढ़ना है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन. सुनने में थोड़ा बड़ा लग रहा है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, बट नहीं, कितना ही सिंपल है. पॉलन पिस्टिल एंड इंटरेक्शन, यानी कि पॉलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन ही है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन. सिंपल, बस यही है पूरा. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पॉलिनेशन पढ़ा था, याद है ना? अगर नहीं याद है तो जाकर के चेक करो वीडियो. अगर पॉलिनेशन नहीं पढ़ा होगा तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. तो पहले पॉलिनेशन पढ़िए, फिर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़िए. तो क्या होता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में? देखो, पॉलन ग्रेन था. पॉलन ग्रेन क्या करता है, अपने एंथर से निकल करके आता है और स्टिग्मा में आकर के लैंड कर जाता है. उसके बाद क्या होगा, एक पॉलन ट्यूब बनेगी. उस पॉलन ट्यूब की हेल्प से पॉलन ग्रेन ओवरी तक पहुंचेगा एंड ओवरी से ओव्यूल में एंटर कर जाएगा. एंड आगे फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा एंड पूरी प्रोसेस आगे कैरी ऑन होगी. लेकिन ये प्रोसेस इतनी भी ईजी नहीं है, क्योंकि पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के पहले होता है एक छोटा सा स्टेप, और वो स्टेप है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यानी कि पॉलन और पिस्टिल के बीच में डायलॉग बाजी. पॉलन कुछ डायलॉग बोलेगा, पिस्टिल कुछ डायलॉग बोलेगी, ठीक है? एंड देन डायलॉग पर डायलॉग चलते जाएंगे. एंड फाइनली जब पिस्टिल इस बात से सहमत हो जाएगी, उसको उसके डायलॉग्स लाइक पॉलन के डायलॉग्स अच्छे लगने लगेंगे, तो वो उसको परमिशन दे देगी अपने अंदर आने की. ठीक, बात समझ में आई ना? अभी देखते हैं कि डायलॉग्स क्या हो सकते हैं. तो बात कर रहे थे डायलॉग्स की. डायलॉग्स क्या होते हैं एक्चुअली में? डायलॉग्स के नाम पे वो लोग एंजाइम सीक्रेट करते हैं. अब वो बोल थोड़ी सकते हैं ना कि वो उसको पटाने के लिए कुछ भी बोल रहा है, ठीक है? तो बोल नहीं सकते, लेकिन वो एंजाइम सीक्रेट कर सकते हैं. तो पॉलन कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है, पिस्टिल कुछ एंजाइम सीक्रेट करती है, फिर दोनों में कंपैटिबिलिटी बनती है. अगर पिस्टिल के लिए वो पॉलन ग्रेन कंपैटिबल है, उसके लिए वो पॉलन ग्रेन अच्छा है, उसके लेवल के हिसाब से, लाइक पिस्टिल का जो लेवल है, हाई लेवल है, लो लेवल है, जिस लेवल के हिसाब से पिस्टिल है उसी लेवल के हिसाब से अगर पॉलन ग्रेन भी है, तो वो पॉलन ग्रेन को परमिशन देती है कि वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर सकता है एंड देन ओव्यूल के साथ डबल फर्टिलाइजेशन कर सकता है. ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे एंजाइम्स का सीक्रीशन होता है. पॉलन अपने एंजाइम्स देती है, पिस्टिल अपने एंजाइम्स देते हैं एंड देन उनमें कंपैटिबिलिटी बनती है. उसके बाद आगे की प्रोसेस कंटिन्यू होती है. तो देखिए, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो हमने ये भी कहा था कि स्पीसीज सेम होनी चाहिए पॉलिनेशन के लिए, सेम स्पीसीज होनी चाहिए. तो यहाँ पर ये चीज़ भी आती है कि जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं सरसों के फ्लावर की, मस्टर्ड फ्लावर की. अब मस्टर्ड फ्लावर में अगर हिबिस्कस फ्लावर का पॉलन ग्रेन आकर के बैठ जाएगा तो क्या उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? नहीं होगा. अब ये क्यों नहीं होगा? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की वजह से. अब जब हिबिस्कस का फ्लावर, हिबिस्कस का जो पॉलन ग्रेन होगा वो मस्टर्ड के स्टिग्मा में लैंड करेगा, तो वो कुछ ना कुछ एंजाइम सीक्रेट करेगा, यानी कि उनके बीच में पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगी एंड उस इंटरेक्शन से पिस्टिल को पता चल जाएगा कि ये पॉलन ग्रेन मेरा नहीं है, ये पॉलन ग्रेन मस्टर्ड का नहीं है, ये पॉलन ग्रेन है हिबिस्कस का, मतलब किसी और फ्लावर का है. तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, रिजेक्ट कर देगी. या फिर हमारी जो पिस्टिल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, लाइक उसके अंदर बहुत अच्छी पावर है कि बहुत अच्छी क्रॉप वो बना सके आगे चल के, एंड देन जो पॉलन ग्रेन आया
जिसने जो उस पर लैंड किया उसके स्टिग्मा में, वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो लो क्वालिटी का है. उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, देन पिस्टल को समझ में आएगा कि ये पॉलन ग्रेन मेरे लेवल का नहीं है, तो वो उसे क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी, ताकि दूसरा कोई पॉलन ग्रेन आए अच्छे क्वालिटी का, अच्छी ब्रीड का, एंड उनकी जो क्रॉप हो वो अच्छी क्रॉप हो. ठीक है, इस तरीके से इनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है. ये मतलब था डायलॉगबाजी करने. ठीक है, तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है. पहला, रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पॉलन, यानी कि पिस्टल के लिए जो पॉलन कंपैटिबल है उसका रिकॉग्निशन करना, उसको पता लगाना कि वो कौन सा है, मतलब वो सही है या नहीं. दूसरा, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, यानी कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन. एंड थर्ड है, पॉलन ट्यूब की एंट्री होना किससे, ओव्यूल में, मतलब पॉलन ट्यूब की एंट्री होना ओव्यूल में. याद करिए, आपको बताया था जब हम लोग ने एम्ब्रियो सैक पढ़ा था तब हम लोग ने फिलीफॉर्म एपरेटस के बारे में पढ़ा था. एंड फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता था, पॉलन ट्यूब को एक पर्टिकुलर वे देता था, पाथवे देता था कि ओव्यूल के अंदर वो सही जगह जाकर के फर्टिलाइजेशन कर सके. ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस किसके अंदर आती हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर आती हैं. तो आई होप आपको पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन समझ में आ गया होगा. सिंपल सी बात है, सिर्फ इसमें क्या होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है, कंपैटिबिलिटी देखी जाती है कि पॉलन ग्रेन और पिस्टल एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है या नहीं. अगर कंपैटिबल है तो फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू की जा सकती है या कंटिन्यू की जाती है, और अगर कंपैटिबल नहीं है तो पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर दिया जाता है. ठीक है, अच्छा, नॉर्मली क्या होता है ना, जब दो लोगों को शादी करनी होती है, मेल एंड फीमेल, तो उसमें किसका काम है, मेल का और फीमेल का. दोनों ने आपस में अपनी कंपैटिबिलिटी देख ली, अगर वो लोग सही हैं, वो लोग आपस में कंपैटिबल हैं, उन लोग की आपस में बन रही है, तो वो शादी कर सकते हैं. लेकिन नहीं, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है. हम इंडियंस हैं भाई साहब, और हमारे इंडियन शादियों में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है. तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बुरे काम के लिए नहीं, मतलब बुरे तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से भी, पॉजिटिव. ठीक है, वो क्यों इन्वॉल्व होते हैं, ताकि वो देख सके, सब कुछ समझ सके, और अपने बच्चों के लिए सही पार्टनर चूज़ करने में हेल्प कर सके, लाइक मोर बेटर पार्टनर, ताकि उनका फ्यूचर ज़्यादा अच्छा हो सके, ज़्यादा बेटर हो सके. सिमिलरली इसी प्रोसेस की जैसे ये हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कुछ और नहीं है. बस अगर ये स्टोरी समझ में आ गई तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है और क्यों होता है ये समझने में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली. ठीक है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी ऐसे ही है. एक्चुअली होता क्या है, पिस्टल पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के थ्रू, मतलब उनके बीच में जो भी डायलॉगबाजी हुई उसके थ्रू अपने लिए कंपैटिबल पॉलन तो चूज़ कर लेती है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स है, यानी कि जो उसके मालिक है, उस फसल का जो मालिक है, उसको चाहिए और अच्छी फसल, ताकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी हो वो और अच्छी हो, ताकि उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सके. ठीक है ना, तो इसके लिए वो क्या करता है, उसको अपनी मर्जी के पॉलन ग्रेन के साथ उसका इंटरेक्शन करवाता है, उसका उससे फर्टिलाइजेशन करवाता है. तो यही है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जो चीज़ नेचुरल हो रही थी उसको नेचुरल ना होने दे करके अपना इन्वॉल्वमेंट करना, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करना, और उसका अपनी मर्जी से हाइब्रिडाइजेशन करवाना ही है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. तो इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आइए देखते हैं. तो पहला स्टेप है इसमें इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेशन क्या है, देखिए, जब फ्लावर कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है, उसका पिस्टल डेवलप हो गया, उसके स्टेमेंस डेवलप हो गए, तब उस क्रॉप का या उस प्लांट का, उस फ्लावर का जो ओनर होता है वो क्या करता है, अपना हस्तक्षेप करता है, अपना इन्वॉल्वमेंट करता है, और उसके एंथर को कट कर देता है, एंथर को वहाँ से हटा देता है. एंथर को हटाने से क्या हुआ, वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाएगा, क्योंकि एंथर जब होगा ही नहीं तो उससे पॉलिनेशन रिलीज होंगे ही नहीं, तो वहाँ से क्या होगा, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा. तो पहला स्टेप होता है इमैस्कुलेशन. क्वेश्चन हमेशा ये आता है एग्जाम में, इमैस्कुलेशन कम पूछता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमैस्कुलेटेड फ्लावर क्या है, या फिर इमैस्कुलेटेड फ्लावर किस प्रोसेस से रिलेटेड है. तो प्रोसेस हो गई हमारी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, और इमैस्कुलेटेड फ्लावर, इमैस्कुलेशन की टाइम पे जो फ्लावर बनाया गया वही है इमैस्कुलेटेड फ्लावर, यानी कि ऐसा फ्लावर जिससे एंथर को काट दिया जाए, एंथर को हटा दिया जाए, वो है हमारा इमैस्कुलेटेड फ्लावर. अब हमारे पास क्या बचा, स्टेमेंस बचे, सीपल्स बचे, सीपल्स के बाद ऊपर पीटल्स बचे, एंड देन हमारा बचा गाइनोसियम. गाइनोसियम को हम लोग एक बैग से, एक पेपर से बंद कर देते हैं, जिसे बोलते हैं बैगिंग, उससे बंद कर देते हैं, उसमें छोटे छोटे से पोर्स कर देते हैं, ताकि वो ब्रीथ करता रह सके. एंड अब
बैगिंग करने से क्या होगा कि कोई भी आर्टिफिशियल नहीं कोई भी बाहर का पॉलन ग्रेन उसके ऊपर नहीं आ पाएगा एंड उससे इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा एंड देन उस पर पॉलिनेशन नहीं होगा. ठीक है, उसको बंद कर देते हैं, कवर में बंद कर देते हैं ताकि कोई भी ऐसा एरा गैरा उड़ता हुआ कोई भी ऐसा पॉलन ग्रेन ना आ पाए जो उस पर आए एंड कंपेटिबल हो जाए एंड उसका पॉलिनेशन हो जाए, तो सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी. तो उसको एक बैग से बंद कर देते हैं. फिर जो ओनर होता है वो क्या करता है, जब वो पिस्टिल वो स्टिग्मा डेवलप हो जाता है, इस लायक हो जाता है कि उसमें पॉलिनेशन हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके, तो वो मार्केट से या किसी भी लेबोरेटरी से क्या लेकर के आता है, पॉलिन ग्रेन लेकर के आता है. कैसा पॉलिन ग्रेन, जैसी हाइब्रिड फसल उसे चाहिए होती है उस टाइप का पॉलिन ग्रेन लेकर के आता है एंड धीरे से उसको स्टिग्मा के ऊपर रख देता है एंड देन फिर आगे की प्रोसेस सेम रहती है, दोनों में कंपैटिबिलिटी बैठती है, ऑब्वियसली वो उसे कंपैटिबल होता है, उसको एक्सेप्ट कर लेगा एंड देन आगे फर्टिलाइजेशन, फिर आगे की प्रोसेस कवर हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, सिंपल. तो ये है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. ठीक, ये किस लिए होता है, ताकि क्रॉप का इम्प्रूवमेंट हो सके, क्रॉप पहले अच्छी थी इसको और बेटर बनाने के लिए, जिससे कि फाइनेंशियल भी जो फार्मर होंगे उनको फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प मिलेगी, अच्छी फसल होगी तो उसका अच्छा पैसा मिलेगा, साथ में उस अच्छी फसल का फ़ायदा बाकी ह्यूमन बींग्स को भी होगा. जो लोग उस फसल को खाएंगे उससे उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, अगर प्रोटीनस प्लांट है तो प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, अगर स्टार्च मिल रहा है तो स्टार्च ज़्यादा मिलेगा, जैसा भी न्यूट्रिशन उससे प्रोवाइड किया जा रहा है वो अच्छे अमाउंट में प्रोवाइड करवाया जाएगा. मार्केट में से बहुत सारे हाइब्रिड क्रॉप्स आती हैं, बहुत सारे हाइब्रिड सीड्स आते हैं, आपने सुना भी होगा, तो वो कहीं ना कहीं इसी तरीके के प्रोसेस से ही बनी हुई होती हैं. उसका खैर अलग से पूरा प्रोसेस होता है, बट एक तरीके से कह सकते हैं समझने के लिए. ठीक है, तो आई होप आपको पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज थी एंड बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है ये. अगर स्टोरी समझ में आ गई तो अंदर क्या है ये तो समझ में आ ही जाएगा. ठीक है, तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को एक बार फिर से देखना, समझ में आ जाएंगी. एंड अगर फिर भी कोई डाउट होता है देन मेरे को DM करना मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे विच इज़ साइंस मेड ईजी, या फिर मेरे मेल ID पे आप मैसेज कर सकते हो. एंड उससे भी ईजी है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना. ठीक है, जो भी डाउट है कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो. सो आज के लिए वैसे ही बहुत सारे डायलॉग्स हो गए, तो एक छोटा सा डायलॉग फिर से सुन लो, विच इज़ कीप स्माइलिंग, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो और खुश रहने दो.